हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स, ये जो झूला झूलता हुआ कीड़ा को आप देख रहे हैं, इसे ब्लैंकेट वॉर्म कहते हैं, इसे हेयरी वॉर्म भी कहा जाता है और बिहार में इसे भुआ के नाम से जानते हैं। मेनली यह सहजन के पेड़ पर पाया जाता है। इस कीड़े से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया है जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक स्प्रेयर बोतल लिया है, इसमें हम पानी ले लेंगे। पानी थोड़ा कम ही लेंगे, पूरा बोतल को भरेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ लिया है, जिससे हम कपड़े धोते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एक चम्मच का चौथाई हिस्सा यानी आधे से भी आधा लेना है, क्योंकि यह काफ़ी हार्ड होता है। बोतल में से डाल करके इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें जो है झाग बन गया है। अब इसमें और थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद जो है झाग से बोतल पूरा भर चुका है, तो थोड़ा सा हम झाग को निकाल देते हैं। बोतल को थोड़ा सा खाली रखना है, क्योंकि इसमें गैस बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा जगह हम खाली रखेंगे। तो फ्रेंड्स, उन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए हमारा घरेलू सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, यह काफ़ी असरदार सॉल्यूशन है। आप देख रहे हैं कि इसका स्प्रे करते ही वो कीड़ा जो वहीं पर ढेर हो गया है। ये कीड़ा तो बिल्कुल ही मर चुका है। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स पर जहाँ जहाँ कीड़ा है, मैं वहाँ पे स्प्रे करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस पर कितना जल्दी असर करता है। फ्रेंड्स, पहले मुझे इस सॉल्यूशन के बारे में पता नहीं था, तो मैंने इस पर खाने का सोडा, डिश वॉश, न्यू ऑयल, इन सभी का छिड़काव किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बल्कि एक प्लांट से भाग कर दूसरे प्लांट पर डेरा डाल देते थे। दिन दूनी रात चौगुनी इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। छत पर चलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि बच्चे भी छत पर खेलते हैं और ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये जरा सा भी टच कर जाए स्किन को, तो स्किन पर रैशेज हो जाती है और खुजली होने लगती है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय था। ऊपर से मेरे सारे प्लांट्स भी खराब कर रहे थे। ये वाला खीरा का प्लांट्स है, इसे भी इसने नहीं छोड़ा है। इस पॉट में मैंने दो प्लांट्स लगाए थे, एक प्लांट्स को तो इसने पूरा ही खा गया है। और ये मेरा स्वीट पोटैटो का प्लांट है, इसे भी देखिए कितने डिजाइनदार तरीके से इसने खाया है। देखिए किस तरह से पत्तियों के पीछे छिप करके बैठा हुआ है। आज मैं इस सॉल्यूशन का अपने सारे प्लांट्स पर इसका स्प्रे करूंगी, ताकि इनसे मुझे छुटकारा मिल सके। इस सॉल्यूशन के बारे में फ्रेंड्स, मेरी माँ ने मुझे बताया, क्योंकि मेरे यहाँ सहजन का पेड़ है, तो जाहिर से बात है कि ये वाला कीड़ा वहाँ भी होता होगा। तो उन्होंने कहा कि या तो आग के गर्मी से ये भागता है, नहीं तो डिटर्जेंट का सॉल्यूशन से भागता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि आग से तो मेरे प्लांट्स ही जल जाएंगे। फ्रेंड्स, इसने तुलसी का भी काफ़ी बुरा हाल किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है। फ्रेंड देखिए, इसने तो डबल अटैक को झेला हुआ है। पहले तो इसने फंगल अटैक को झेला, फिर उसके बाद इनके कीड़ों ने भी इस पर डेरा जमाया हुआ था, तो बहुत मुश्किल से इसे मैंने हटाया है। फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन का स्प्रे आप शाम के टाइम में करें, धूप के समय नहीं करें। और इस स्प्रे करने से पहले अपने पौधों में जो है अच्छे से वाटरिंग कर दें। अगर बारिश के कारण आपके सॉइल भींगे और प्लांट्स भींगे हो, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से अच्छे से वाटरिंग करके ही डालें। पहले जो मैंने सॉल्यूशन थोड़ा सा निकाल दिया था, उसे फिर से मैंने थोड़ा सा पानी मिला करके बोतल में भर लिया है और फिर से मैं इसे स्प्रे करूँगी। देखिए छोटी चांदनी पर भी जो है बैठा हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे प्लांट्स पर इसका स्प्रे अच्छे से कर देंगे। और फ्रेंड्स, यह ध्यान रखिएगा कि डिटर्जेंट जो है थोड़ा सा ही ले, ज़्यादा नहीं ले, नहीं तो हमारे प्लांट्स जो है जल सकते हैं। इस सॉल्यूशन से जो है फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स पे जो मीली बग लगते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।